Bollywood cocktail. फिल्म सिम्बा के एंड सीन के साथ ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अनाउंस कर दिया था अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। सूर्यवंशी जो होने वाला है सिम्बा का सीक्वल और जिसमें हमें दिखेंगे खिलाड़ी अक्षय कुमार भी। वेल, इस पुलिस की यूनिवर्स टीम को ज्वाइन कर लिया है नन अदर देन ब्यूटीफुल कैटरीना कैफ ने, जो कि सूर्यवंशी में दिखने वाली हैं एज अ सूर्यवंशी गर्ल। रोहित शेट्टी की इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी में हमें अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ अब साथ साथ दिखेंगे, जहां रोहित शेट्टी और करण जौहर का ये को प्रोड्यूस वेंचर होने वाला है। अक्षय और कैटरीना की जोड़ी पहले भी बॉलीवुड पर धमाके कर चुकी है, जहां इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस ने बेहद ही पसंद भी किया है। कि पिछली फिल्म 30 मार खान भले ही ज्यादा चल ना पाई हो, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद ही अप्रिशिएट किया। फिलहाल साल 2020 में वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म लिस्ट में किसी का नाम है तो वो है सूर्यवंशी का, जहां दर्शक एक बार फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार को पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए एक्शन सीन्स करते हुए देखना चाहते हैं। वहीं कैटरीना भी एक्शन सीन्स करने में माहिर हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म भारत के उनके ब्यूटीफुल लुक्स से वो ऑलरेडी फैंस को मेस्मराइज कर चुकी हैं। ऐसे में कैटरीना बैक टू बैक फिल्म में भी साइन करती जा रही हैं। और कहना होगा कि साल 2020 की उनकी किटी खाली नहीं रहने वाली। सूर्यवंशी एक एक्शन पैक्ड मसाला फिल्म होने वाली है, जिसके लिए स्पेकुलेशंस हैं जो फिल्म ईद के मौके पर साल 2020 में रिलीज होने को स्लेटेड है। ऑन दी अदर हैंड, अक्षय कुमार करीना कपूर के साथ एक और फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं, जिसका नाम है गुड न्यूज। कैटरीना की पिछली फिल्म थी शाहरुख खान के साथ, जहां कैटरीना से हमें बेहद ही उम्मीदें थी, बट उनका रोल था काफी छोटा और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लुढ़क गई थी। ऐसे में देखना होगा कि भारत और उसके बाद अब सूर्यवंशी की लिस्ट में शामिल होने के बाद कैटरीना फैंस का दिल कितना जीत पाती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे करें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड कॉकटेल फॉर ऑल लेटेस्ट न्यूज ऑफ बॉलीवुड।